हरे कृष्णा। भगवद गीता की ऑडियो नंबर 9 में आप सबका स्वागत है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद देव जी की जय। इस ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे तामसी तपस्या के बारे में। भगवद गीता में 17वें अध्याय के 19वें श्लोक में इस बारे में वर्णन है। तो आइए पहले सबसे पहले भगवद गीता का श्लोक पढ़ते हैं। मूढ़ ग्राहेण आत्मन यत पीड़िया क्रियते तप परस्य उत्सादम अर्थम वा तत्ताम समुदायतम। सरल भाषा में अर्थ है, श्री प्रभुपाद जी ने, श्री प्रभुपाद की जय। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। देखिए, तपस्या के ऊपर हम पहले भी कई ऑडियोज में डिस्कशन कर रहे हैं। हमेशा यही बात मैंने बार बार रखी है कि हम जो कुछ भी करें, तपस्या भी उसमें से एक है, भक्तों के 26 गुणों में से भी एक तपस्या है। तो वो जो तपस्या है वो सात्विक प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। तो तामसी तपस्या को जो पढ़ने का और श्री कृष्ण भगवान के द्वारा बताने का उद्देश्य है वो ये है कि हम समझें कि तपस्या कब तामसी कहलाती है, ताकि हम उसको ना करें। ऑब्वियसली जहां डूज लिखे होते हैं, स्कूल्स में भी होता है ना, जहां स्कूल में रूल्स में डूज लिखे होते हैं वहां डोंट्स भी लिखे होते हैं, भाई ये करना है और ये नहीं करना है। तो भगवान मेहनत कर रहे हैं, देखिए हमारे लिए सात्विक तपस्या भी समझा रहे हैं जो करनी है, और राजसी और तामसी भी बता रहे हैं जो नहीं करनी है। हम समझें कि कब हम राजसी या तामसी कैटेगरी में चले जाएंगे। अब तामसी कैटेगरी के अंदर जो तपस्या के बारे में भगवान बता रहे हैं, सबसे पहला शब्द यूज किया है मूढ़ ग्रहणेन। मूढ़ ग्रहणेन मतलब मूर्खतावश, मूर्खता, बेवकूफी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी कर लो, बस शरीर को कष्ट पहुंचाओ, अगर शरीर को कष्ट पहुंच रहा है तो भगवान प्रसन्न होगा, ऐसा सोचते हैं लोग। अगर हम कोई व्रत भी कर रहे हैं तो व्रत और उसको करने की विधि जो है वो शास्त्रों में होनी चाहिए, गुरु माता पिता या साधु के आशीर्वाद से, उनकी सजेशन से करना चाहिए। अपनी मर्जी से हम कुछ भी करना शुरू कर दें और ये सोचें कि अगर हमने अपने आप को कष्ट पहुंचाया तो उससे भगवान प्रसन्न होगा, ये सोच मूर्खता है। इसको भगवान ने जो शब्द यूज किया है वो यही है, मूढ़ ग्रहण, कि ये मूर्खता है ना। फिर आगे बात आई आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने के लिए, यानी मूर्खता है, आत्म उत्पीड़न है। कई लोग हैं जैसे लेट के परिक्रमा कर रहे हैं और किसी असंभव वस्तु के लिए भगवान को प्रेशर कर रहे हैं। अब भगवान का बनाया सिस्टम है, आप सब जानते हैं, डेस्टिनी, किस्मत नाम की एक चीज है। अब मान लेते हैं किसी के घर में पुत्रियां हैं, अब उसको पुत्र चाहिए, अब एक तरह से अगर वो उसकी किस्मत में नहीं है तो असंभव ही हो गया ना। अब वो भगवान को प्रेशर कर रहा है, एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई मैं गोवर्धन की परिक्रमा लेट लेट के करूंगा, ये भगवान देखो मैं कितना कष्ट उठा रहा हूं, अब तो आपको ये मेरे को एक पुत्र को प्रदान करना ही पड़ेगा ना। एक भक्त से ये चीजों की अभिलाषा नहीं है। अगर भक्त जो है गुरु की आज्ञा से ऐसा कर रहा है, भगवान को गुरु जो है प्रसन्न करने के लिए गुरु की आज्ञा से ऐसा कर रहा है, तभी मैं कहूंगा इसको, मैं ये बोलूंगा, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, अपने मन से भी नहीं करना है। इतना कष्ट अगर आप शरीर को देना चाहते हैं तो उसके लिए गुरु की आज्ञा जरूर लें। अगर अभी कोई फॉर्मल गुरु आपने नहीं लिए तो भगवान ने सबको गुरु दिया है माता पिता के रूप में, किसी का एक्सेप्शनल माता पिता भी अभी नहीं है और उनसे वो डायरेक्ट टच में नहीं है, नहीं ले सकता है कोई आज्ञा इस तरह का कार्य करने से पहले, तो किसी साधु से, सीनियर डिवोटी से कंसल्ट करें। अपनी मर्जी से अगर आप कुछ भी करना शुरू कर देते हैं तो वो तामसी तपस्या में चला जाएगा। अगर उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ आप अपने शरीर को ही कष्ट पहुंचा रहे हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि शरीर को कष्ट पहुंचाना जो है, क्योंकि अगर हमें किसी भी तरह की तपस्या करनी है तो शास्त्रों में उल्लेख है उसका। आप जानते हैं हमने कितनी सारी ऑडियोज अभी सुन ली हैं, जो लोग रेगुलरली सुन रहे हैं, हम चर्चा कर चुके हैं ना कि भगवान ने बताया सात्विक तपस्या क्या है, 3 तरह की तपस्या बताई, शरीर की अलग बताई, वाणी की अलग बताई, मन की बताई। तो हमें वो तपस्याएं करनी है, तो शास्त्र खुद बता रहे हैं हमें कौन सी तपस्या करनी है। अपने मन मर्जी से हम कुछ ना करें, अगर हम मन से कुछ भी ऐसा करते हैं कि बस शरीर को कष्ट पहुंचाने की कोशिश है, आत्म उत्पीड़न की कोशिश है, तो भगवान कह रहे हैं मूर्खता है, बेवकूफी है, इसका कोई फायदा नहीं। और अगर हम ऐसी तपस्या कोई कर रहे हैं जिसमें हम दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं तो वो तो पक्का ही तामसी है। कितनी कथाएं हमने सुनी है, हिरण्यकश्यपु की सुनी है, बहुत सारे पहले ऐसे राक्षस होते थे, है ना। एक शायद भस्मासुर भी था जिसने बहुत तपस्या करके भगवान से मांगा कि मैं जिसके भी सर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए।
तो ऐसी तपस्याएं, या बहुत सारे तांत्रिक भी होते हैं जो तंत्र वंत्र कुछ बैठ के करते रहते हैं और फिर उससे वो लोगों का बुरा करने की कोशिश करते हैं, ये सब क्या है? ये कोई तपस्या नहीं है, ये सब तामसी तपस्याएं हैं, इसे कुछ नहीं होने वाला। इनको तपस्वी मानना या भक्त मानना भी नहीं है। जो तामसी कैटेगरी के अंदर चला गया वो तो फिर भक्ति से बिल्कुल ही परे हो गया, ये तो नेगेटिव हो गया, इसका कोई लाभ नहीं है। तो यही चीज यहां पर जो है इस श्लोक में डिस्कस की जा रही है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। भगवान ने श्लोक में बड़ा क्लियरली बताया है कि मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, यानी खुद को तंग करने के लिए, या अन्यों को विनिष्ट या हानि पहुंचाने के लिए, या तो खुद को तंग करने के लिए या दूसरों को तंग करने के लिए, ऐसी अगर कोई तपस्या की जाएगी तो वो तामसी तपस्या है। देखिए ना, वाणी की तपस्या में हमने क्या डिस्कस किया था, मीठी वाणी बोलना है ना, दूसरों को कोई ऐसा शब्द ना बोले जो उसको दुख पहुंचे, ये तपस्या है। आज की तारीख में कलयुग चल रहा है, इन चीजों को फॉलो करना भी एक तपस्या है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना भी एक तपस्या है। ये तपस्याएं हैं जो हमें करनी है, गुरु शास्त्र और साधु के अनुसार जो हमें मिलती हैं, अपनी मर्जी से हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये अभी हमारा डिस्कशन था ब्रीफ में अबाउट तामसी तपस्या। आप सबसे प्रार्थना है हरे कृष्ण महामंत्र का जप जरूर करें, सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, सोते समय करें, सोते समय भी। यस, कभी कभी नींद खुल जाती है, बीच में 5 मिनट का मार्जिन होता है, एकदम से नींद नहीं आ रही होती, तो बजाय कुछ और करने के मन में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण, आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास।